नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरी। तो दोस्तों, आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। ये एक ऐसी खबर है जो आपको टीवी के एक लव सीरीज कार्यक्रम में भी जल्द ही देखने को मिलेगी। अमेरिका के टेक्सास में ट्रांसजेंडर पुरुष के साथ कुछ ऐसा हो गया जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। ट्रांसजेंडर कपल विली सिंपसन और स्टीफन गैथ की कहानी जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इन दोनों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। विली ने बताया कि उन्हें नहीं लगता था कि वो कभी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, क्योंकि वो पिछले 7 सालों से टेस्टोस्ट्रॉन ले रहे थे, लेकिन विली अचानक प्रेग्नेंट हो गई। दरअसल ट्रांसजेंडर विली महिला से पुरुष में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहे थे। वो लगातार टेस्टोस्टेरॉन ले रहे हैं, मगर वो इस दौरान प्रेग्नेंट हो गए। आपको बता दें, टेस्टोस्टेरॉन एक बेहद जरूरी मेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरॉन का स्तर यौवन के दौरान बढ़ता है और युवा अवस्था के दौरान अधिक होता है। 30 साल की उम्र के बाद किसी पुरुष के टेस्टोस्टेरॉन के स्तर में हर साल थोड़ी गिरावट होना सामान्य बात होती है। टेस्टोस्टेरॉन का स्तर शरीर में प्रजनन प्रणाली, कामुकता से लेकर मांसपेशियों और बोन डेंसिटी तक सभी को प्रभावित करता है। हालांकि बच्चे को जन्म देने को लेकर ट्रांसजेंडर कपल विली और स्टीफन के मन में कई प्रकार के डर थे, और दोनों बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को एडॉप्शन के लिए देना चाहते थे। लेकिन अब विली का कहना है कि अब वो बच्चे की खुद परवरिश करेंगे और वे चाहते हैं कि उनको बराबर का सम्मान मिले। ट्रांसजेंडर कपल विली और स्टीफन ने अपने होने वाले बेटे का नाम रुवान फोकस रखा। विली ने ये भी कहा कि डिलीवरी के दौरान होने वाले दर्द को लेकर वे काफी डरे हुए हैं। बता दें, ट्रांसजेंडर कपल विली और स्टीफन ने अपनी कहानी टीवी के रियलिटी शो एक्सट्रीम लव सीरीज पर शेयर की, जो लोगों को दिखाई जाएगी। विली और स्टीफन ने अपनी फोटो सोशल मीडिया पर भी शेयर की, जिसमें वो टेक्सास के सैन एंटोनियो के एक अस्पताल में भर्ती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।